क्रिएटिविटी बहुत ही प्यारी चीज है, पर साला कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये सबसे वाहियात स्किल है जो मेरे पास है या मैंने सीखी है। ये रात रात भर जगाता है, पर रात रात भर तो तुम्हारी बंदी भी जगाती है, पर वो मजे देती है और ये मजे लेता है। क्रिएटिविटी इन द सेंस किसी चीज को बनाने की तड़प, किसी चीज को अच्छा बनाने की तड़प, किसी चीज को दूसरे से हटके बनाने की तड़प। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। तुम रात में अपने पीसी पे बैठे हो और तुम्हारे पास उड़ता उड़ता एक क्लाइंट आता है फॉर अ थंबनेल, और तुम बैठते हो बनाने के लिए, पर तुमसे वो बनता नहीं है। तुम बहुत सारी चीजें ट्राई करते हो, पर वो जो मजा है ना वो तुम्हें मिलता नहीं है। तो तुम सोचते हो कि चलो अभी तो नहीं हो रहा, मैं सो जाता हूँ, सुबह उठ के काम कर लूंगा। पर जैसे ही तुम सोने के लिए जाते हो, बेड पे लेटते ही तुम्हारे दिमाग में एक चलता है वर्ल्ड वार। एक साइड में होते हो तुम, एक साइड में होती है क्रिएटिविटी। तो जो तुम्हारी वाली साइड होती है ना, वो होती है वर्ल्ड वॉर टू की जर्मनी, और जो दूसरी साइड है वो होती है फ्रांस, पोलैंड, ब्रिटेन। तो तुम समझ सकते हो तुम्हारा क्या हाल होता होगा। इसी चक्कर में तुम सारी चीजें सोचने लगते हो कि मेरे से क्यों नहीं बना, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मुझे टैक्स इधर करना था, मुझे करेक्टर उधर करना था, मुझे बैकग्राउंड चेंज करना था, मुझे बैकग्राउंड की लाइट चेंज करनी थी, बहुत सारी चीजें। और इसी चक्कर में सोचते सोचते बच जाते सुबह के 5, और तुम उठते हो, फ्रेश होते हो, नहाते धोते हो, वापस आके अपने लैपटॉप पे बैठते हो। पर इस बार कुछ अलग होता है। इस बार तुम पहले से थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस देते हो, तुम अच्छे फोन को सिलेक्ट करते हो, तुम्हारे कैरेक्टर की पोजीशनिंग अच्छी होती है, तुम्हारा बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, पर तुम्हें आ रही होती नींद, क्योंकि तुम रात भर जागे हो और तुम आलस में एकदम। इसी वजह से तुम कर रहे हो धीरे धीरे काम, और जो थंबनेल तुम्हें रात को देना था वो तुम सबमिट कर रहे हो एक दिन बाद। और इसे ही कहते हैं क्रिएटिविटी ब्लॉक होना, या क्रिएटिविटी से अपनी मरवाना। क्रिएटिविटी जो है ना वो एक बीमारी है, वो एक लत है, जो किसी इंसान को एक बार लग जाए ना तो उसके लौड़े लगने तो पक्के हैं। मतलब ऐसा है कि तुम्हें कोई भी चीज नॉर्मल चाहिए ही नहीं, तुम्हें हर चीज में एकदम से चाहिए, एकदम से टोटल, एकदम से कुछ नया, कुछ अलग, कुछ इनोवेटिव, कुछ एडवांस, कुछ इनहेंस, कुछ बहुत ही बढ़िया, जो कि नॉर्मल तो नहीं दिखना चाहिए। कोई भी उसे देखे तो तुम्हारी तारीफ करे कि वाह क्या बनाया है। पर दिक्कत ये है ना ब्रो, इंसान की सोच के लिमिट तक काम करती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर लिमिट तक काम करती है तो क्रिएटिविटी नाम की कोई चीज ही नहीं होती। पर क्रिएटिविटी की भी एक लिमिट होती है, तुम उसको अगर टच कर जाते हो तो फिर तुम्हारे साथ होती है दुर्घटनाएं, धीरे धीरे करके। तुम चले जाते हो रिपीट मोड में, तुम वही क्रिएटिविटी रिपीट कर रहे हो, तुम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। रिपीट करने के चक्कर में वो चीज़ें हो जाती है ओल्ड, नई चीज़ें पे तुम्हारा ध्यान नहीं जाता, वापस से क्रिएटिव ब्लॉक। और ऐसा है ना कि तुम किसी चीज़ को नॉर्मल देख नहीं सकते, तुम्हें हर एक चीज़ में नया चाहिए। मानो कि अगर तुम किसी क्लाइंट का काम कर रहे हो तो तुम ना ही क्लाइंट का काम करते हो, ना ही पैसों के लिए काम करते हो, तुम काम करते हो अपने लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए तुम काम करते हो, कि तुम सेटिस्फाई होने चाहिए, तुम्हें वो तुम्हारा आउटपुट देख के मजा आना चाहिए कि यार क्या चीज़ बनाई है मैंने। और जब तक ये तुम्हें फीलिंग नहीं होती है पहनचो, तब तक तुम काम करते हो, लगे रहते हो, क्लाइंट गया तेल लेने, पैसे गया तेल लेने, मुझे मेरी सेटिस्फेक्शन चाहिए, मुझे मेरे डिजायर को कंप्लीट करना है। और इसी के चक्कर में तुम देते हो औकात से ज्यादा टाइम उसको, बन तो जाता है अच्छा, पर वही बात है ना ब्रो, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, पर फिर भी तुमने किया। जब किसी चीज को उतनी जरूरत नहीं होती और तुम जरूरत से ज्यादा उसके लिए कुछ कर देते हो ना, तो एट द एंड में वो तुम्हें छोड़ देती है, वो तुम्हें इस मुकाम पे, इस हालत में छोड़ देती है कि तुम वापस उठ नहीं पाते, तुम उसकी याद में खोए रहते हो, तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, दोस्तों से मिलना बंद कर देते हो, रोते रहते हो, सैड स्टेटस लगाते हो, अपने गम को अपने अंदर छुपा के रखते हो, इमरान हाशमी के गाने सुनते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूँ, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो मुझे नहीं पता मैं पगल आ गया हूँ काम करते करते, पर हाँ मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और ये अगर बीमारी तुम्हें लग चुकी है तो अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें इस बीमारी से कोई नहीं निकाल सकता। एक चीज़ निकाल सकती है, या तो तुम छोड़ दो सब कुछ, सब कुछ छोड़ दो, उसकी गम याद में मरे पड़े रहो। स्टार्ट में मैंने तुम्हें कहा था ये बहुत ही प्यारी चीज़ है, और हर प्यारी चीज़ के दो पहलू होते हैं, कि जब तक वो तुम्हारे साथ में वो तुम्हें बहुत पसंद आते हैं, वो तुम्हें एक अलग सी वाइब देते हैं, तुम्हें हमेशा डर लगा रहता है कि ये जो प्यारी चीज़ है ये मुझसे दूर ना हो जाए। पर यही तो दिक्कत है ना ब्रो, अक्सर प्यारी चीज़ है तुम्हें एंड में छोड़ ही देती है। एक टाइम आता है जब ये चीज़ तुम्हें छोड़ देती है और तुम वो चीज़ें वो काम नहीं कर पाते, तुम रिपीट मोड में चले जाते हो, तुम दोहराते हो चीज़ों को, तुम नई चीज़ें ट्राई नहीं कर पाते और फिर मेरी तरह एग्जरेट होते हो। ऐसा नहीं है कि ये चीज़ लाइफ टाइम रहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, पर जब तक रहती है ना बहुत तड़पाती है।
तो बस यार हो गया, आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा चला गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।